खंड पर्वत में हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और वो बारिश देखो भाई पूरी सामने दिखने लग गई। बारिश लग रही थी ना उधर भयंकर वाली। दादा भी मिल चुके हैं जो कि बारिश में घूमने आ रखे भाई छाता लेके। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सब लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी के एक खूबसूरत गांव चा गांव से। तो सुबह के करीबन 8 बज चुके हैं और मेरी तैयारी हो चुकी है ड्यूटी जाने की। तो लास्ट वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि रिद्धि लोग भी बहाने वाले चले गए हैं, जिसकी वजह से शाम को हम ऊपर नहीं गए हैं। नहीं तो आप देखते होंगे कि हम ऊपर जाते थे शाम को, जैसे मैं घर आता था ना उससे पहले भाभी लोगों के साथ बैठने चले जाता था, बट कल मन नहीं कर रहा था भाई उधर जाने का। ताई जी को मिलने में शाम को चले गया था जब घूमने जा रहा था। तो मैंने बताया था अंकी भाई जो है उसकी दादी का श्राद्ध आ रहा है जो कि 8 जुलाई को है, और उससे पहले अंकी भाई कल या परसों तक घर आ जाएगा। कल आपने देखा होगा अंकी भाई की दीदी आई थी, तो अंकी भाई भी काफी सारे लोगों ने देख रखा होगा जो पहले से ब्लॉग देखते हैं। मतलब जिस टाइम अंकी भाई की दादी एक्सपायर हुई थी, 1 साल पहले की बात है, तो जो लोग उस टाइम से ब्लॉग देखते होंगे उनको पता होगा कि अंकी भाई कौन है। तो अंकी मैं बता दूं, आशी आपने देखा होगा ना, एक तो सपना का भाई है और एक दूसरा आशी जो है ना उसी का भाई है अंकी। और ये तीनों देखो भाई ब्रेकफास्ट करने लग गए हैं। दादी भी आ चुकी है और दीदी ब्रेकफास्ट कर रही है और साथ में मम्मी भी ब्रेकफास्ट कर रही है, और कल रात को इनको मस्त नींद आई है किले। तो कल पंखा लेके भी आया बट मम्मी को कल भी नींद नहीं आई भाई, गर्मी इतनी तो लग रही। अच्छा तो आज का जो मौसम है वो देखो भाई डेली की तरह हो रखा है, बट आज ज्यादा घनघोर हो रखा है भाई। ये देखो पूरा कोहरा ही कोहरा छा रखा है, बट बारिश का कहीं नामो निशान नहीं है। पहले बोलते थे कि पहाड़ों में ज्यादा बारिश होती है, अब देखने को मिल रहे हैं कि शहरों में ज्यादा बारिश हो रही है। कल मैं रील्स देख रहा था किसी की, तो देहरादून में और ऋषिकेश में कल बारिश हो रही थी, बट पहाड़ों में बारिश ही नहीं हो रही भाई। और जब बारिश लगेगी ना तो भयंकर वाली बारिश लगेगी। गढ़वाले में बोलते हैं कि गाड़ गद न चाऊंगा बल तब। ताऊ जी बाहर में घूम रहे भाई, सब उम्मीद में बैठे कि बारिश होगी बोल के। न्यू निवर का न्यू निवल भर का। तो आज ब्रेकफास्ट में जो बनी है वो लौंग की और चने की सब्जी बनी है, जो कि कल रात की बासी सब्जी है भाई। यहाँ पे देखो भाई मेरी दादी बैठ रखी है, अगर दादी के साथ बात ना करो दादी की नाक लग जाती है भाई। और ठीक ठाक बढ़िया अगेर बिट क्या था कल मेरी दादी हमेशा बोलती है भाई कि तुम बात नहीं करते बोल मेरे से डोगरा जाई दे आवरी जाई दे आवरी जाई दे झाड़ू माली। अब ऐसे ही मजाक करते भाई, काफी सारे लोग कमेंट करते, एक कमेंट ऐसे आ रखा था ऊपर जब दादी के साथ हम मजाक कर रहे थे ना, तो कमेंट आ रखा था जब उनको सुनाई दे बोलते तुम मजाक क्यों करते भाई, हमारी आदत ही है। और दादी भी जो बोल रही है वो मजाक में बोल रही है। तो नीचे मैंने बताया था आम का पेड़ है जिसपे छोटे छोटे आम लग रखे हैं अभी, और उसी के बगल में ना एक लीची का पेड़ है भाई, इतनी सारी लीचियां लग रखी है इस टाइम। ये दोनों बॉस देखो भाई यहाँ पे बैठ रखे हैं। फाइनली पहुंच चुका हूँ घर में और शाम के बज रहे हैं 6। तो आज हम टाइम से निकल गए थे, 5 से थोड़ी पहले निकल गए थे बिकॉज बारिश वाला मौसम हो रखा था। और जैसे ही ऑफिस से निकले ना तो आधे रास्ते में बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो पूरा भीग के आ गया भाई। और इधर साइड देखा तो इधर सूखा पड़ रखा था। तो पहले से जो ब्लॉग देखते होंगे दीदी की शादी के ब्लॉग भी काफी सारे लोगों ने देखे होंगे, जिन्होंने नहीं देखे जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं वो पहले के ब्लॉग देख लेना। तो दीदी की शादी जो हुई थी वो अक्टूबर में हुई थी, 22-23 अक्टूबर को, तो उस टाइम का ब्लॉग भी बना रखा है मैंने। तो
दीदी की शादी की पेन ड्राइव आई थी, तो फिर उसमें करेक्शन करने के लिए मैंने बताया था ब्लॉग में कि दोबारा मैंने करेक्शन करने के लिए वो पेन ड्राइव फोटोग्राफर भैया के पास दी थी, बिकॉज उसमें जो कुछ गाने थे ना उनको चेंज करवाना था हमको, तो वो पेन ड्राइव भी आ चुकी है भाई, ये कल आ गई थी और भैया ने ये पेन ड्राइव ना मार्केट में दे दी थी कुछ दिन पहले। गाइस इस टाइम जो मौसम हो रखा है वो देखो भाई, बारिश वाला मौसम हो रखा है और सामने जो खैट पर्वत है ना वहाँ देखो भाई हल्की हल्की बारिश हो रही है और इधर बारिश का नामो निशान नहीं है भाई, और उधर भी बारिश हो रही है भाई हिमालय पर्वत साइड, और ताऊ जी भी आ चुके हैं, ताऊ जी की और दादी की पुराने गप्पे लग रही है, मतलब बोल रहे हैं कि पहले बारिश हो जाती थी अब बारिश नहीं हो रही कि मंदिर में सिन्नी काटनी पड़ेगी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में, पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को। इधर साइड देखो भाई हरियाली हरियाली दिखने लगी है, बिकॉज मैंने बताया था कि जहाँ मैं जॉब करता हूँ ना वहाँ बारिश हो रही थी, तो काफी टाइम क्या होता है मैंने बताया था कि उधर जब बारिश रहती है ना तो इधर धूप रहती है, और काफी टाइम क्या होता है कि जब इधर बारिश रहती है तो उधर धूप रहती है, और बोलते बोलते देखो भाई हल्की बूंदाबांदी होने लगी है, और दीदी की ससुराल साइड देखो भाई भयंकर वाली बारिश आने लगी है, और सामने खैट पर्वत में भी बारिश लगने लगी है। हमारे यहाँ बारिश ही नहीं हो रही, और पर साइड ना इतनी भयंकर बारिश हो रही है कि उधर का जो पानी है ना वो पूरा झील में आ रहा है, और पूरा यहाँ झील का पानी देखो भाई कितना बढ़ गया आजकल। मैंने पहले बताया था कि हमारे गांव वाले बोलते हैं कि जब गुआड़ बारिश होती है ना, गुआड़ जो है वो जंगल का नाम है भाई, इस धार के ऊपर है भाई, तो वहाँ भी बादल गिर चुके हैं, और हमारे गांव वाले बोलते हैं कि जब गुआड़ बारिश आती है ना तो वही बारिश हमारे गाँव में आती है। और दादी और ताऊ जी दोनों बैठे थे बारिश के इंतजार में, और ताऊ जी चले गए नीचे, ताऊ जी थोड़ी देर में आएंगे खाना खाने के लिए, तो ताऊ जी ने सोचा कि एक राउंड नीचे से आ जाता हूँ बोल के, सीधा खाना खाने बाद में आऊंगा, तो ये दोनों बैठे थे और यही गप्पे लग रही थी कि बारिश नहीं हो रही बोल के, हर जगह बारिश हो रही है हमारे गांव में बारिश नहीं हो रही है, तो बोल रहे थे कि हमारे गांव वाले मंदिर में सिन्नी नहीं काटते कि ऐसे ही जैसे पुराने जमाने वालों की बात होती रहती है, तो बोलते बोलते देखो भाई बारिश की बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है। दीदी भाई दुकान में जा रही थी पनीर लेने के लिए, और कल शायद दूध फटा और दीदी अब वापस आ गई कि लौन लगी तो अच्छा। तो भाभी ने एक तरीका बताया था, मैंने ब्लॉग में बताया था, जिस दिन रिद्धि की और मेरी डिस्कस चल रही थी कि पनीर बनानी है की, तो उसके बाद जब हम रिद्धि लोगों के यहाँ गए ना तो भाभी ने बोला था कि तुमने नींबू डालना था उसमें निचोड़ के, तो दीदी वही बोल रहे कि दूध फट रखा है उसमें थोड़ी नींबू निचोड़ ले फिर जाके वो गाढ़ी होगी, और जब उसको निचोड़ेंगे ना चुन्नी पे बांध के तब सही बनेगी वो। तो गाइस किचन में आ चुका हूँ, और मैंने बताया था कि दूध फट रखा है दीदी बता रही थी, तो दूध जो फटा है वो इतना ज्यादा दूध फटा है भाई, ये देखो पूरी एक चिंडी दूध फट रखे हैं, तो मैंने अभी जस्ट भाभी को कॉल की थी कि मैंने कहा कैसे कैसे बनाना है, दीदी कुछ और बोल रही थी और भाभी कुछ और बोल रही थी, तो भाभी ने एक बार पहले बनाई थी शायद इसलिए मैंने भाभी को कॉल की, तो भाभी ने मेरे को प्रोसेस बता दी है कि कैसे कैसे बनानी है की, तो बनाते हैं भाई और आपको भी दिखाते हैं कि बनती है कि नहीं बनती। तो भाभी ने बताया है कि ये जो दूध है ना पहले इसको फ्राई पे डालना है की, उसके बाद ये दूध गर्म करना है और उसी के साथ ना नींबू निचोड़ना है कि, उसके बाद उसको ठंडा करना है और जब ठंडा हो जाएगा ना अच्छी तरीके से तो वो गाढ़ा हो जाएगा कि, उसके बाद उसको चुन्नी पे निचोड़ना है कि। तो ये फटा हुआ दूध मैंने रख दिया भाई गर्म करने के लिए, और थोड़ी गर्म होने देते हैं उसके बाद इसमें नींबू निचोड़ते हैं भाई, और फिर देखते हैं पनीर बनती है कि नहीं बनती। गाइस फटा हुआ दूध जो है वो गर्म करने के लिए रख रखा है मैंने, और बाहर देखा तो बाहर देखो भाई यहाँ तो हल्की बारिश हो रही है, और सामने देखो भाई अभी मैं दिखा रहा था ना खैट पर्वत में हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और वो बारिश देखो भाई पूरी सामने दिखने लग गई है। तो ये देखो भाई फटा हुआ दूध गर्म करने के बाद ये कुछ इस तरह से हो गया है, और मैं सोच रहा हूँ कि एक राउंड घूम के आ जाऊँ तब तक दीदी आ जाएगी, और इसको ठंडा होने में काफी टाइम लगेगा बिकॉज मैंने इसको बहुत उबाला है भाई, तो मैं सोच रहा हूँ तब तक मैं घूम के आ जाता हूँ और दीदी पहले आ जाएगी, दीदी दुकान पे जा रखी है तो वो तब तक इसको चुन्नी पे निचोड़ लेगी। और ये देखो भाई मम्मी भी बीक के आ रही है भाई कहीं से, मम्मी बोल रही कि मेरे को गरम लग रहा कि मैं जानबूझ के भीग रही हूँ कि हैं। मैंने बताया था मम्मी को आजकल गरम ज्यादा लग रहा था, और फिर कल मैं पंखा लेके भी आया था, कल थोड़ी सुकून मिल गया था मम्मी को, और आज बारिश में भीग रही है भाई, बोल रही है कि जानबूझ के भीग रही हूँ बोल मैं। तो ये देखो भाई मैं घूमने जा रहा था और दीदी भी आ चुकी है पनीर लेके, और एक पनीर मैंने अंदर रख रखी है बनाने के लिए, वो अभी ठंडा हो रहा है दूध,
और जब ठंडा हो जाएगा ना उसको चुन्नी पे निचोड़ लेना हैं, और कोई भारी चीज उसके ऊपर रख देना, और मैं तब तक आता हूँ घूम के। दीदी जिस टाइम सामान लेने गई थी ना दुकान में, तो इसने फोन छोड़ दिया, और इसको पता ही नहीं कहाँ छोड़ेगी। और मैं कॉल कर रहा हूँ और फोन पता नहीं कहाँ बज रहा है। ताई जी के हाल चाल भी पूछ लेते हैं, नहीं तो भाभी बोलेगी कि ऊपर नहीं जाते बोल के। और ताई जी देखो भाई यहाँ सब्जी बनाने लगी और इसको पता ही नहीं है भाई दुकान में छोड़ दिया होगा तूने। तो ताई जी की सब्जी बनने लगी है भाई, और जब तक हम घूम के आते तब तक ताई जी सो ही जाती होगी भाई। दी भाई की कॉल आई थी जब हम ड्यूटी से निकले थे ना, तो उस टाइम मैंने बताया था कि हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी उधर, तो फिर जब हम आगे आ गए थे ना उस टाइम उधर भयंकर वाली बारिश लग गई थी। तो कुलदीप भाई की कॉल आई कि तुम कहाँ होगी, यहाँ भयंकर वाली बारिश लग रखी है और मैं इधर ही हूँ अभी की। तो पता नहीं अभी तक आया कि नहीं आया, एक बार कॉल कर लेता हूँ। और ताई जी देखो भाई इस बारिश में ही गोबर लेके जा रही है कहीं और ताई जी को टेंशन हो रहा है कि ताई जी का फोन खराब हो गया, कल मैंने ब्लॉग में दिखाया था, और ताई जी को मेरे फोन लेके नहीं गया बोल तू। अरे बार हम कख जाने बीमार पान तो है यहीं पे डाल रही है शायद, ताई जी लोगों का जो खेत है ना वो यहाँ पे है भाई। ताई जी को भी भाई रज्जू की याद आ रही जब फोन खराब हुआ, ताई जी पूछ रहे कि रज्जू कहाँ गया क्या आजकल रज्जू दिख नहीं रहा कि रज्जू होता तो रज्जू ने ले जा लेना था फोन। और मैं कुलदीप भाई की बात कर रहा था, तो जब मैं ब्लॉग बना रहा था ना तो उस टाइम कुलदीप भाई की कॉल आई अभी मतलब जस्ट थोड़ी देर पहले, तो बोल रहा कि कहाँ है कि तू, मैंने कहा तेरी उम्र बहुत लंबी है कि, मैंने कहा अभी तेरी बात चल रही थी ब्लॉग में तो बोल रहे कि मैं अभी आ रहा हूँ तेरे पीछे से, रुक जा कि मिल ले, अभी तक तो आया नहीं। और ये देखो भाई कुलदीप भाई भी आ चुके हैं, तेरी उम्र ना बहुत लंबी है, मैं ब्लॉग में तेरी बात कर रहा था कि, मैंने कहा कुलदीप भाई आज पता नहीं कहाँ है कि, मैंने कहा बारिश लग रही थी ना उधर भयंकर वाली हाँ यहाँ बारिश नहीं हुई भाई, कुछ अलग ही सीन है भाई, आधी जगह बारिश हो रही है आधी जगह नहीं हो रही है। वहीं तेरी भयंकर बारिश चल रही थी उस टाइम तो नहीं थी ज्यादा, बट जब तेरी कॉल आई ना जब तू बोल रहा था कि भयंकर बारिश लग गई, कितने घंटे बाद आया, आधा घंटे बाद। अच्छा ये देखो भाई दादा भी मिल चुके हैं जो कि बारिश में घूमने आ रखे भाई छाता लेके, कब जाना मैं घर जा रहा हूँ। अच्छा तो सानू भाई आपने ब्लॉग में देखे होंगे जो मेरे साथ पढ़ रहा था, उनके पापा है भाई और ठीक लग गया हूँ बढ़िया, तुम तो रिटायर हो गया बढ़िया होगी तुम्हारे गाँव में पढ़ा हुआ तो खाने लगा है ठंडी ठंडी बढ़िया लग रही मौसम देख लो स्वर्ग स्वर्ग। तो गाइस घूमने आए थे और जैसे ही घूमने आ रहे थे उस टाइम हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, और अब देखो भाई हल्की बूंदाबांदी के बाद मस्ती हरियाली दिखने लग गई है, सामने देखो भाई पहाड़ के मस्त दिखाई दे रहे हैं, और इतनी बारिश काफी है भाई गांव में, काफी ठंडा हो चुका है। तो गाइस घूम के आया था और दादी देखो भाई अब घूमने जा रही हैं, तो शायद दादी टेलर के पास जा रही है ना, टेलर के पास जा रही है भाई, तो जल्दी आना था सानू बाद अनार हम जाना। अच्छा तो दादा ड्यूटी से आते हैं तो जल्दी खाना खा लेते हैं, तो शायद दादा ने खाना खा लिया है, तब बोल रही दादी कि पहले उनको खाना दिया कि तब आ रही हूँ कि अब। तो गाइस फाइनली पहुंच चुका हूँ घर में, और आज मैं जल्दी घर आ गया भाई बिकॉज दीदी कॉल पे कॉल किए जा रही थी कि फटाफट आ जा बोल के सब्जी बनानी है, मैंने बताया था पनीर लेके आई थी दीदी और ताऊ जी आ रखे ना, तो इसलिए बोल रही थी दीदी कि जल्दी आ जा बोल के, ताऊ जी तब फिर खा के चले जाएंगे कि। तो फटाफट से चलता हूँ भाई पनीर बनाता हूँ और सबको टेस्ट करवाता हूँ भाई कि कैसे बनानी है मैंने। वो जब तक यहाँ पे आया तब तक देखो भाई दीदी ने पनीर भी काट रखी है और प्याज और टमाटर भी काट रखे हैं, और मैंने इसको यही बोला, मैंने कहा टमाटर काटे क्यों तूने, मैंने वो पहले गर्म पानी में रखने थे उसके बाद मिक्स करने थे वो मिक्सी पे, उसके बाद टेस्टी होती है भाई पनीर। तो गाइस टमाटर को गर्म पानी में रखने के बाद अब मैंने इसको मिक्स करने के लिए रख दिया, दीदी ने जो टमाटर काटे थे ना वो भी मैंने इसके साथ डाल दिए और कुछ मैंने अलग से किए थे, तो इसको मिक्स कर लेते हैं। और ये जो पानी है ना जिसमें मैंने टमाटर रखे थे तो ये पानी मैं यूज करूंगा सब्जी बनाने के लिए। तो गाइस पनीर रेसिपी बन चुकी है, बट इसमें मैंने क्या किया, इसमें जख्या ज्यादा पड़ गया भाई, तो मैंने जो किया सबसे पहले मैंने तेल डाला, उसके बाद मैंने प्याज को ब्राउन किया, उसके बाद जो टमाटर मैंने मिक्स किया था ना तो वो डाला, और उसके बाद थोड़ी इसको पकाने के लिए रखा, तब जाके ये थोड़ी सही हो रहा है। और सबसे रिव्यू पूछते हैं भाई नीचे, ताऊ जी भी आ रखे तो ताऊ जी के लिए भी खाना लेके चलते हैं और फिर उनसे रिव्यू पूछते हैं कि कैसे कैसे बन रखे हैं भाई। ये लो खाना, और आज सब्जी मैंने बनाई है और तुम्हें बताना है कि कैसे बना रखे हैं मैंने सब्जी। कभी नहीं काम।
ताऊ जी ने देखो भाई आज पहाड़ी टोपी भी पहन रखी है और काफी स्मार्ट लग रहे भाई ताऊ जी आज। तुम दोनों ने बताना है कि कैसे बना रखी है मैंने। अच्छा तो ताऊ जी के साथ बैठने का एक ही फायदा है भाई, ज्ञान की बातें मिल जाती है। अच्छा तो आप खाना खाइए और बताइए कि कैसे बनी है सब्जी। ऐसा नहीं कि लवी ने बनाई है तो मस्ती बना रखी होगी, जैसे बना रखी है वैसे ही बताना। रोटी बहुत कम रखी तुमने, मैं तो बहुत खाता हूँ। चार रोटी रखी है। अब मुझे पता था भाई ताऊ जी ने कम करना है। ताऊ जी सिर्फ दो ही रोटी खाते हैं, तभी मम्मी बोल रही थी कि दो ही ले जा उनके लिए, वो दो ही खाते हैं। दो रोटी तो मेरी दादी खाती है। इन्होंने टेस्ट कर लिया भाई सब्जी और ताऊ जी बताएंगे कि कैसे बन रखी है। ठीक बन रखी है। और दादी बोल रही कि नमक ज्यादा है, थोड़ा मेरी दादी वैसे लगता है भाई नमक ज्यादा। तो हम भी खा लेते भाई, इन्होंने खाना स्टार्ट कर लिया है और हम भी खाते हैं भाई। मेरे को भयंकर वाली भूख लग रखी है, लंच दिन में करते हैं और फिर उसके बाद भूख भयंकर वाली लग जाती है। पहले मैं शाम को भी कुछ ना कुछ खा ही लेता था बट आजकल नहीं खा रहा भाई, तो इसकी वजह से ज़्यादा भूख लग रही है। तो जब तक ऊपर आया तब तक ये भी खाने लग गया भाई और ये भी बताएंगे कैसे बन रखी है सब्जी। कनमणि बढ़िया, कनमणि ठीक, तुम खा रही तो कुछ जान जानो भाई। मस्त भयंकर की थोड़ी ठीक है, ठीक है। तो गाइस फाइनली रात के बज रहे हैं 10, तो फिलहाल मैं कर रहा हूँ ब्लॉग की एंडिंग। तो जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने कर रखा है वो ऐसी सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।